दोस्तों आपकी बॉडी ब्रॉड तब होती है जब आपकी बैक काफी ज्यादा बड़ी और मस्कुलर बनती है। आपने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को पोजिंग करते हुए देखा होगा, पर जब वो अपनी बैक का पोज करते हैं तो उस टाइम पर उनकी बॉडी काफी ज्यादा बड़ी लगती है। वो सिर्फ उनकी बड़ी और मस्कुलर बैक की वजह से ही दिखती है दोस्तों। तो इसलिए आज की वीडियो में हम हमारी बैक की एक्सरसाइज के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपनी बैक पर वर्क करेंगे, उसको मजबूत बनाएंगे, उतना ज्यादा मस्कुलैरिटी आप अपनी बैक पर ला सकेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज से, जो कि है रिवर्स हैंड लैट पुल डाउन। दोस्तों ये एक्सरसाइज आपने अक्सर देखी होगी, आपकी बैक के लिए ये सबसे बेसिक एक्सरसाइज है। दोस्तों आपको बता दूं कि सिर्फ लैट पुल डाउन ही आपकी बैक की सबसे ज्यादा मसल्स को ट्रेन करती है, इसलिए दोस्तों लैट पुल डाउन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारी बैक के लिए। इस एक्सरसाइज में आपको अपने हाथों को रिवर्स करना है, जिससे आपको अपनी बैक में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट और चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। हमारी दूसरी एक्सरसाइज है दोस्तों टी बार कर्ल। दोस्तों टी बार एक्सरसाइज आपकी बैक को एक मजबूती देती है, साथ ही साथ एक मस्कुलर बैक और थिकनेस जो हमारी बैक को चाहिए होती है वो हमें इसी एक्सरसाइज से मिलती है। दोस्तों लैट पुल डाउन हमारी बैक को ब्रॉड यानी कि चौड़ा तो कर देती है, लेकिन जब थिकनेस और मजबूती की बात आती है तो टी बार एक जबरदस्त एक्सरसाइज साबित होती है, जो कि आपकी बैक को एक सॉलिड शेप देती है। दोस्तों टी बार को आपको कुछ इस तरह से परफॉर्म करना है, आपको एक बारबल में वेट डालकर उसे कुछ इस तरह से परफॉर्म करना है, जिसमें आपको बेंड होकर बारबल को कुछ इस तरह से पुल करना है। अगली एक्सरसाइज है दोस्तों वन आर्म डंबल रो। दोस्तों इस एक्सरसाइज से आप अपनी बैक को पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ ट्रेन कर सकेंगे, वो भी एक एक करके। दोस्तों इस एक्सरसाइज में आपको बेंड होकर एक साथ एक हाथ से सपोर्ट लेना है और दूसरे हाथ से आपको डंबल कर्ल करना है, जिससे आपकी दोनों बैक इंडिविजुअली ट्रेन होंगी। दोस्तों वन आर्म डंबल एक बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज है, जिसकी मदद से आपकी बैक एक अच्छी शेप तो गेन करेगी ही, साथ ही आपकी बैक अलग अलग ट्रेन होगी तो आपकी बैक में ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को आपको मिलेगा। हमारी चौथी एक्सरसाइज है दोस्तों डंबल पुलओवर। दोस्तों इस एक्सरसाइज में आपकी बैक को एक ब्रॉड यानी कि चौड़ा लुक मिलता है। दोस्तों पुलओवर में आपको एक सिंगल डंबल को बेंड होकर आपको इस तरह डंबल को अपनी चेस्ट तक पुल करना है और उसे वापस लेकर जाना है। इससे आपकी बैक की मसल कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं और अच्छे से एक ब्रॉड लुक देने में उनको हेल्प करती हैं। दोस्तों आपको बेंच पर बेंड होकर डंबल को इस तरह परफॉर्म करना है, जिससे आपकी बैक के साथ साथ चेस्ट भी ट्रेन होती है। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज आपकी दोनों मसल्स को साथ में ट्रेन करेंगी और एक बहुत ही अच्छा लुक देने में आपकी हेल्प करेंगी। अब आती है बारी हमारी आखिरी एक्सरसाइज की दोस्तों, जो कि है हमारी फेवरेट एक्सरसाइज और सबसे बेसिक एक्सरसाइज, यानी कि दोस्तों हमारे पुलअप्स। दोस्तों पुलअप सबसे ज्यादा बेसिक एक्सरसाइज होती है और सबसे प्राइमरी एक्सरसाइज भी होती है आपकी बैक के लिए, जिसमें आपको किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती और पुलअप्स लगाने के लिए आपकी बैक मसल्स काफी अच्छे से ट्रेन भी होती है और बल्कि बहुत ज्यादा अच्छी बनती है। दोस्तों आपको हर दिन कम से कम 15 से 20 पुलअप्स लगाने हैं, ताकि आपको हैबिट पड़ जाए, जिससे आपकी बैक मसल्स डेली ट्रेन होंगी और जल्दी ग्रो भी होंगी। दोस्तों आप पुलअप्स को अलग अलग वेरिएशंस के तौर पर भी ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपको अलग अलग रिजल्ट्स भी मिलेंगे। यानी कि आप अपने हाथ की ग्रिप अगर थोड़ी सी चेंज करेंगे तो आपकी बैक की अलग अलग मसल्स पर इफेक्ट पड़ेगा।